टॉपिक का नाम है मीन फ्री पाथ। देखो ये मीन फ्री पाथ में मीन हटा दो तो क्या बचा? फ्री पाथ। फ्री भी हटा दो तो क्या बचा? पाथ। पाथ का मतलब रास्ता। तो अब क्या है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर भी मारता है, तो एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मारी, कोलिजन करवाई। तो जब वो कोलिजन करवाता है तो एक मॉलिक्यूल जब मूव करता है रैंडम मोशन में, तो वो ऐसे नहीं मूव करता टेढ़ा मेढ़ा, वो स्ट्रेट मूव कर रहा होता है। उसकी टक्कर हो गई, उसकी स्पीड और वेलोसिटी चेंज हो सकती है टक्कर के बाद, पर फिर वो मूव स्ट्रेट ही करता है। वो फिर स्ट्रेट मूव करता है, फिर उसकी दूसरी टक्कर होती है, फिर वो फिर स्ट्रेट कहीं और मूव करता है रैंडम मोशन, उसकी अगली टक्कर होती है। अब नोट करने वाली बात है कि जब वो एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन तक जा रहा है, उसका रास्ता मान लो लैम्डा वन है, उसने डिस्टेंस कवर किया लैम्डा वन। जब वो दूसरी टक्कर मारेगा, ये जरूरी नहीं है कि उसका डिस्टेंस ट्रेवल फिर से लैम्डा वन हो, क्योंकि हो सकता है टक्कर इमिडिएटली हो जाए, हो सकता है बहुत देर तक ना हो, तो रैंडम है ना, ये तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए एक टक्कर से दूसरी टक्कर में डिस्टेंस अगर लैम्डा वन है, तो दूसरी में लैम्डा टू है, तो तीसरी में लैम्डा थ्री है, चौथी में लैम्डा फोर है, ऐसे इट में चेंज। तो अब हम मान लो अगर ये डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें कि दो कोलिजन के बीच में कितनी दूरी है, ये तो लाखों कोलिजन है, तो लाखों डिस्टेंस होना मेजर करोगे। हम क्या करेंगे, हम इनका एवरेज ले लेंगे। तो जो एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसको बोलते हैं फ्री पाथ। उसको बोलते हैं फ्री, जैसे लैम्डा वन फ्री पाथ है दूसरी टक्कर में जाने में, वो फ्री पाथ है लैम्डा टू, फिर फ्री पाथ है लैम्डा थ्री, पर ये चेंज हो रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं इतनी चेंजिंग वैल्यू के साथ काम नहीं कर सकता, मैं सभी डिस्टेंसेस का एवरेज ले लूंगा और मैं ये फाइनल बोल दूंगा कि एक कोलिजन से दूसरी कोलिजन में एवरेज डिस्टेंस इतना होता है। उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो यही है इसमें, जब रैंडम मोशन में एक पार्टिकल, तो इसको टक्कर मारेगा लैम्डा वन, अगले को मारेगा लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर, ये डिस्टेंसेस कवर करेगा, ये फ्री पाथ है। और अगर मैं इनका एवरेज ले लूं, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू प्लस लैम्डा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो ये क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ। बस ये निकालना है आपको, समझ में आया क्या चीज है। तो ये स्टार्ट यहीं से हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस रैपिड एंड रैंडम मोशन, जो रैंडम मोशन में होते ही हैं। एज दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ फाइनाइट दो सम स्मॉल साइज, सो दे कोलाइड अगेंस्ट वन अनदर फ्रीक्वेंटली, इनकी टक्करें होती रहती हैं। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सीधा मूव करता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। तो इसके अंदर मीन फ्री पाथ क्या चीज है, मे बी डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो एवरेज डिस्टेंस इनकी कोलिजन के बीच में क्या होगा, उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। मीन फ्री पाथ निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम इसे डराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। एक्सप्रेशन के लिए दो अजम्पशन हैं, तब ये एक्सप्रेशन निकलेगा। पहली अजम्पशन, ईच मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज अ स्फेयर ऑफ डायमीटर टी। तो ये नहीं है कि छोटे बड़े मॉलिक्यूल हैं, सभी मॉलिक्यूल का साइज सेम है और डी डायमीटर है, रूल नंबर वन। और रूल नंबर टू इंपॉर्टेंट रूल, ऑल मॉलिक्यूल ऑफ गैस एक्सेप्ट द मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल ए अंडर कंसिडरेशन आर एट रेस्ट। अब ये क्या चीज है, देखो एक प्रॉब्लम है इसमें, मॉलिक्यूल सब रैंडम मोशन में, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मैं इतनी मोशंस को स्टडी नहीं कर सकता। मैं क्या मानता हूं कि सपोज करो आप सब, मान लो यहाँ पर 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं और मैं मान लो 31st हूँ, तो मैं मान लो टक्कर मारने जा रहा हूँ, मैंने फर्स्ट को टक्कर मारी लैम्डा वन, डिस्टेंस कवर किया, फिर लैम्डा टू, फिर लैम्डा थ्री, फिर लैम्डा फोर, फिर लैम्डा फाइव, लैम्डा सिक्स, करते करते एट तक, ठीक। तो अब इसमें मेरे को डायरेक्शन चेंज करनी पड़ रही है, और एक्चुअल में आप सब भी रैंडम मोशन में होते हैं। अब मैं अपनी मोशन संभालूँ कि आपकी मोशन संभालूँ, तो एक अजम्पशन ले ली, आप सब एक काम करें, एक लाइन में खड़े हो जाएं, ऐसे मत बैठे रैंडम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन में खड़े हो जाएं, 30 के 30। मैं आऊंगा, आप सबको टच करता हुआ चला जाऊंगा, तो फर्स्ट को टक्कर मारूंगा, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को। अब फर्स्ट से सेकंड का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा वन, सेकंड से थर्ड का लैम्डा टू, थर्ड से फोर्थ का लैम्डा। तो लीनियर ही मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इसे, क्योंकि रैंडम में करने में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये अजम्पशन समझ में आ रही है, सभी मॉलिक्यूल लाइन में लगे होंगे ऊपर वाले, ए मॉलिक्यूल इनको टच करता हुआ चलता जाता जाएगा, ठीक है यहां तक। तो आप इमेजिन करें कि अगर सपोज करो यहां पर 30 स्टूडेंट लाइन में हैं,
तो पहली टक्कर मैं फर्स्ट स्टूडेंट के साथ मारूंगा, फिर सेकंड के साथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो कितने लोग हैं यहाँ पर? 30। तो नंबर ऑफ कोलिजन भी कितनी होंगी? 30। तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही बात है। आप क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 30 थे तो 30 ही कोलिजन ली जाएंगी इसके अंदर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इमेजिन करो, ये ए मॉलिक्यूल मेरा मॉलिक्यूल, मैं हूँ ये, और मैं इसको सीधा जाता जा रहा हूँ। जब मैं सीधा जा रहा हूँ, मान लो मेरी सीधे जाने की वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वी बार है, और मान लो यहां से लेके एंड तक मैंने डेल्टा टी टाइम लिया और सभी मॉलिक्यूल को टक्कर मारता हुआ चला गया, तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया? वी इंटू डेल्टा टी, इतना कर लिया। अब मॉलिक्यूल ऊपर भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल नीचे भी हो सकते हैं, मतलब मॉलिक्यूल मैं सेंटर में मूव कर रहा हूँ तो इधर के मॉलिक्यूल भी टच हो सकते हैं, इधर के मॉलिक्यूल भी टच होते जा सकते हैं। तो इसलिए इसने दोनों केस लिए। तो इसमें मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है? डी है। अब मॉलिक्यूल जो नेक्स्ट ये टच करेगा उसका डायमीटर भी डी है, राइट? तो अब मॉलिक्यूल जो ये मूव कर रहा है, इमेजिन करो कि वो वी बार के साथ मूव कर रहा है और सभी मॉलिक्यूल को वो कवर करता हुआ जाता है इन टाइम डेल्टा टी। तो वो डिस्टेंस कितना कवर करता है? वो डिस्टेंस कवर करेगा वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो पूरे इस सभी कोलिजन को करता हुआ डिस्टेंस ट्रेवल वी टी है। अब इसके अंदर क्या किया उसने, ये डी डायमीटर है और ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है। तो ये किन मॉलिक्यूल्स को टच करता हुआ जा रहा है जो इसके डी डायमीटर की रेंज में होंगे, क्योंकि अगर ये मॉलिक्यूल थोड़ा ऊपर रह गया तो इसको टच करते हुए जा नहीं सकेगा। तो एग्जैक्टली इसका कम से कम ये डी बाई टू डिस्टेंस इधर आना ही चाहिए। ये डी बाई टू, तो ये डी बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा? डी। तो यानी कि इमेजिनरी एक सिलेंडर बन गया इधर। इमेजिन करो कि पूरा पोर्शन ऊपर से भी और नीचे से अगर लिया जाए तो ये डी रेडियस का एक सिलेंडर बनेगा जिसके अंदर मॉलिक्यूल अगर फिट इन होते जाएंगे तो ये कोलिजन करते जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल नीचे हो गया तो इसको टक्कर नहीं मार पाएगा। तो कम से कम इसका आधा मॉलिक्यूल तो ऊपर होना ही चाहिए, यानी कि ये डी बाई टू तो होना ही चाहिए कम से कम। तो इसके अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर बन गया जिसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स खड़े हुए हैं और जिसका रेडियस डी है। और अगर इसका रेडियस डी है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर। इस पाई डी स्क्वायर को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करके ये चीज क्या आ गई? टोटल वॉल्यूम आ गया। टोटल पूरा इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या आएगा? एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम आ गया। और मान लो एन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं एन को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब यहां पर नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं, बताया था ना, अगर 30 बच्चे हैं तो 30 कोलिजन्स हैं। तो वही चीज है इसमें। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, फिर हमने क्या किया, इस वॉल्यूम को हमने एन से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब एंड में एक काम किया, जो मीन फ्री पाथ है वो क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम डेल्टा टी। तो एक मॉलिक्यूल ने टक्कर मारते हुए टोटल जितने भी कोलिजन्स करता गया करता गया करता गया, टोटल लेंथ कितनी कवर कर दी? वी टी, जो हमने कैलकुलेट की थी, वी इंटू टी टोटल लेंथ कवर्ड है, और नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी है? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से वी कैंसिल हो गया, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर आ गया। ये डेरिवेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ। इसके अंदर एक अजम्पशन है कि एक ही पार्टिकल मूव कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी सब रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर सारे मॉलिक्यूल्स भी मूव करें, और मैं ऐसी डेरिवेशन कर नहीं रहा, पर अगर हम इसको डराइव करें तो इस रिजल्ट को मॉडिफाई करके रूट टू लगता है, ये हम कर नहीं रहे। फॉर्मूला याद करेंगे, अगर सब रैंडम मोशन में कंसिडर किए जाएं, सब पार्टिकल अगर मूव करें, तो एक्सप्रेशन मीन फ्री पाथ का ये याद करेंगे आप, तो एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री पाथ है। डेरिवेशन आएगी तो दो लाइन की डेरिवेशन है, डायग्राम बना के दो लाइन में कवर हो जाएगी। इसके अंदर एक मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या? अगर मान लो एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल एम है, और डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एम इंटू एन, हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि एम का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक मॉलिक्यूल का मास इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इज टोटल डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी। तो याद रखना एम इनटू एन डेंसिटी है। तो एन को क्या पुट कर सकते हैं? रो बाय मास। इस डेंसिटी को, इस एन को यहां पुट कर दें ऊपर, तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। तो यानी कि मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ये भी है, मीन फ्री पाथ का डेंसिटी की फॉर्म में फॉर्मूला ये भी है।
फिर अगली मॉडिफिकेशन है कि पीवी क्या होता है वन मोल के लिए आरटी, पी क्या होता है आरटी बाय वी। ये मॉडिफिकेशन आपको करनी नहीं है, आपको फॉर्मूला याद करना है, मैं बता दूंगा एंड में क्या याद करना है। तो यहां से एन से मल्टीप्लाई, एन से अगर डिवाइड करेंगे तो एन बाय वी एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, तो ये आर बाय एन क्या होता है बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर क्या आ गया एन इंटू के इंटू टी, तो यहां से फिर से एन निकाल लिया और फिर मीन फ्री पाथ में पुट करके आंसर आ गया। तो इस बार ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला प्रेशर की फॉर्म में आ गया, पहले डेंसिटी की फॉर्म में, प्रेशर की फॉर्म में। आपने याद क्या करना है, वो डेरिवेशन करनी है पहली, फिर आपने ये तीनों फॉर्मूला याद करने हैं। मीन फ्री पाथ डायमीटर की फॉर्म में ये रहा, मीन फ्री पाथ डेंसिटी की फॉर्म में ये रहा, मीन फ्री पाथ प्रेशर टेम्परेचर की फॉर्म में ये रहा। तीनों में से कोई भी फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अंदर यही वो मेंशन कर रहे हैं कि मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूल का मास, मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। इन फैक्टर्स पे मीन फ्री पाथ डिपेंड करता है।